बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हम भी अपने घरों में खैरियत से हैं। तो चलिए आइए, आज मैं किचन में बना रही हूँ माँच की दाल गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए सारी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। 3 पाव के करीब मैंने गोश्त ले लिया है, जिसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया है। इधर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैं माँच की दाल ले रही हूँ, जिसे मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये बिल्कुल फूल गई है, तो अब मैंने इसका पानी उतार के रख दिया है। मैं इसे बॉयल करके डालूँगी। तो इधर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही ये 3 अदर हरी मिर्ची हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 चम्मच के करीब अदरक है जिसे मैंने कूट लिया है, तकरीबन 2-2.5 चम्मच लहसुन है, इसे भी मैंने कूट लिया है, और ये सारे मसाले हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया ले रही हूँ, खड़े मसाले हैं, 1 ब्राउन इलायची है, 2 लौंगे हैं, 2 दालचीनी है, 1 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच मैं सुरख मिर्च ले रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी है, साथ ही इधर 1 चम्मच गर्म मसाला है, और 1 चम्मच जो है मेथी है। तो हसबे ज़रूरत हम ऑयल ले लेंगे। तो अगर आपको ये मेरी मज़े की और डिलीशियस रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे लाइक किया करें, लाइक करना मत भूला करें, वीडियो एंड तक देखा करें, तो मुझे शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें गोश्त डाल के भून लूँगी। गोश्त डाल रही हूँ, गोश्त डाल के हम तकरीबन 10-15 मिनट भून लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मैंने 10 मिनट इसे भून लिया है। अच्छी तरह ये देखिए जी फ्राई हो गया है, कलर कितना आ गया इसके। तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 चम्मच अदरक का कूटा हुआ और 2.5 चम्मच लहसुन। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच सूखा मिर्च, नमक 1 चम्मच। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी काफ़ी जाएगा, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैं पानी डाल रही हूँ।
मैंने कवर कर दिया है। तो कवर करके हम तकरीबन 15-20 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे। तो फिर मैं इसे स्टीम दे दूँगी ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, बिल्कुल ये गल गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च, इसे डाल के मैं अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छी तरह मैं इसे भून लूँगी। दो टमाटर थे, 3 हरी मिर्चें थी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह इसकी रंगत। और देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब है मसाला हमारा बिल्कुल, गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, सही भूना गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। दाल हमारी पहले ही बॉयल्ड है तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा ही पानी गर्म होता है तो साथ ही फिर मैं दाल डाल दूँगी। ये अपने आपने मतलब पसंद के मुताबिक रखना है, ज़्यादा खुश्क करना है दाल खुश्क करनी है या आपने थोड़ा थोड़ा रस रखना है इसमें, तो वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर लें जैसे आपको पसंद है। तो अब मैं दाल ऐड कर रही हूँ। मैंने दाल ज़रा ड्राई नहीं करनी, मैं थोड़ा थोड़ा रस रखूँगी। तो चलिए अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 चम्मच सूखी मेथी। मिक्स करके तो मैं अब लिड दे दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में रखूँगी। तो इसके ऊपर मैं लिड देने लगी हूँ। स्लो आंच पे इसे पका लेंगे 5-6 मिनट। तो चलिए जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह दाल गोश्त हमारा रेडी है। देख सकते हैं आप इसकी लुक, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए टी शर्ट मैंने काट दिया दाल गोश्त का सालन। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए इजाज़त दें मुझे, कल एक अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।